दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं कृष्णकांत सिंह हरी अब देखते दिन भर की खास खबर। शहर के सभी मंदिरों में अंजनी पुत्र हनुमान का जन्म उत्सव भक्तों और श्रद्धालुओं ने मनाया धूमधाम से। पूजा आराधना कर प्रसादी का लगाया भोग, भक्तों ने लगाए जयकारे। प्रशासन के सख्त निर्देशों के बाद भी खेतों की नरवाई को लगाई जा रही है आग। गांव के रहवास क्षेत्र में फैली दहशत, पुराने तरीके से आग को बुझाने का किया प्रयास। शहर में बढ़ते आवारा कुत्तों का आतंक, एक 3 वर्षीय मासूम बालिका पर कुत्तों ने हमला कर दिया। मुश्किल के बाद लोगों ने उस कुत्ते से उसे बचाया और इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। अब खबर विस्तार से। पवन पुत्र श्री हनुमान जी का जन्म उत्सव शहर के सभी मंदिरों में भक्तों श्रद्धालुओं द्वारा धूमधाम से मनाया गया। मंदिर में पहुंचकर उनके दर्शन कर धर्म का लाभ लिया, वहीं प्रसादी का भोग भी लगाया। रंग स्थित श्री हनुमान मंदिर, निकासा स्थित हनुमान मंदिर, बाबा भैरवघाट, महलघाट सहित शहर के कई मंदिरों में हनुमान भक्त पहुंचे और उनकी विधि विधान से पूजा आराधना की। भजन कीर्तन और सुंदरकांड के पाठ में शामिल होकर धर्म का लाभ लिया। वहीं मंदिर में भंडारे का आयोजन भी हुआ। हनुमान जी का जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लासपूर्ण तरीके से धर्ममय वातावरण में मनाया गया। घर घर से भक्त उनके दर्शनों के लिए मंदिरों में पहुंचे। भगवान श्री राम और हनुमान जी के जयकारों से सभी मंदिर गुंजायमान रहे। जन्मोत्सव के अवसर पर सुबह 4 बजे से पंडित जी ने तैयारी लगाई, 6 बजे से पब्लिक का आना शुरू हुआ और विशेष कार्यक्रम रखा है। इन्होंने सुबह से खूब भजन बज रहे हैं, पब्लिक आ रही है और हनुमान जी की पूरी सेवा हो रही है, प्रसाद चढ़ रहा है और आज रात भर कार्यक्रम चलेगा। पंडित जी यहाँ तन मन धन से सेवा करते हैं। तिवारी जी, आज क्या महत्व है आज के दिन का, किनकी जन्म का जन्म उत्सव है? आज हनुमान जन्म उत्सव है, उसके उपलक्ष्य में आज चमत्कारी हनुमान मंदिर पर अखंड रामायण पाठ हवन एक सुंदरकांड रात्रि जागरण का आयोजन रखा गया है। इनका पाठशाला हनुमान जी बोलते हैं और राम लक्ष्मण जी रावण बलि दे रहे।
हनुमान जी के वहाँ पर ले आए थे रावण के पास, चंडी के पास। कौन ले गया था? हे रावण। प्राचीन एवं चमत्कारी सिद्ध श्री हनुमान मंदिर बहरा बाबा घाट पर सुबह 6 बजे महाराज जी की आरती हुई है और प्रसादी वितरण में लड्डू वगैरह बूंदी और हलवा हो गया है। शाम को 7 बजे दुग्ध अभिषेक होगा बालाजी का, उसके पश्चात यहाँ पर भजन संध्या होगी। भगवान परशुराम जयंती की पूर्व तैयारियों को लेकर केलेंदर स्थित चौबे जी के मंदिर में धर्म प्रेमी महिलाएं शामिल हैं और बैठक रखी। बैठक में भगवान परशुराम की जयंती की तैयारियों को लेकर चर्चाएं की गई। जयकारे के साथ हम लोग और हम लोग सदा आपके नाम का हमेशा उच्चारण करते हुए अपने वंश को अपने परंपराओं को अपने परिवार की उन्नति के लिए आप परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में जो भव्य यात्रा निकली जा रही है उसी के विषय में आज हम लोगों ने चौबे जी के मंदिर में एक ब्राह्मण महिलाओं में मीटिंग रखी गई, जिसमें जिन उस दिन यात्रा के दौरान क्या क्या करना है सारी चर्चाएं करी गई। राठौर क्षत्रिय समाज की बैठक का आयोजन एक निजी गार्डन में सम्पन्न हुआ, जहाँ पर समाज के पुरुष और महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित रही। वहीं समाज के लोगों ने समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने की बात कही और मृत्यु भोज बंद करने पर जोर दिया गया। राठौर समाज के लोग उपस्थित रहे। अन्य खर्चे परिवार में जो व्यंजनों का जो श्रृंखला आसा जाता था वो कम करने के लिए मैंने मुझे अध्यक्ष रहते तब वो आज समाज के बीच में समाज के संगठन में इस काम को पहले से ही शुरू कराया है और मैंने मृत्यु भोज पर लाखों बराबर भोजन प्रसादी कराया। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार शुक्रवार को विदिशा आए थे। विश्राम गृह में शाम 6 बजे के लगभग भारतीय जनता पार्टी के नेता व कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की। कभी कभी मन में जो व्यक्ति विचार करता है ईश्वर वैसा ही फिर मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। और आज सुबह से लगातार विभिन्न कार्यक्रमों में अलग अलग पार्टी कब कहाँ कौन सा दायित्व दे दे ये उसके बाजू में लगातार साथ चलने वाले बाजू में बैठने वाले कार्यकर्ता को भी एहसास नहीं होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों ने पुरानी नगर पालिका के सभागार में प्रतिभाशालियों का सम्मान व स्वागत कार्यक्रम का आयोजन रखा। नगर पालिका सीएम सुधीर सिंह सहित सफाई कामगार के वरिष्ठ सदस्य राजेश कटारी सहित समाज के वरिष्ठ युवाजन मौजूद रहे। आज जो कार्यक्रम रखा गया है सूर्य श्री मुन्ना लाल जी चौहान साहब और भट्टो भाई श्रीमती जी चौहान के मेगामाघी छात्र जो वाल्मीकि समाज के हैं जो कि अच्छे क्वालिफाई से जो आज जो पढ़ाई करके जो आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए आज एक परिवार ने एक नई पहल करी है वाल्मीकि समाज की ओर से और ये सराहने का लायक काम है क्योंकि अभी तक हमने ये इस दिशा में काम नहीं किया था। तो आज से चौहान परिवार की ओर से जो एक पहल हुई है वाल्मीकि समाज में विदिशा में बहुत ही सराहने लायक चीज़ है। और मैं अभी जब पढ़ रहे थे सब बच्चों का एक परिचय दे रहे थे इसमें बहुत अच्छे क्वालिफाइड बच्चे हैं जो कि अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छा
एक एग्जाम तरीके से फाइट करते हुए जी की जयंती यहाँ मनाया है 31वीं। तो हमारे समाज ने सम्मान के लिए तो हमें काफ़ी प्राउड फील होता है कि आज यहाँ छात्रों में सम्मान देते हैं ऐसे ही। बहुत शमसाबाद तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पाटन पिपलधार सहित अन्य गांवों के आसपास खेत की नरवाई को आग के हवाले कर दिया गया। वहीं एक मोटर बाइक में आग लग गई थी। कुएं के पानी से पाइपलाइन द्वारा आग बुझाने का प्रयास ग्रामीणों द्वारा किया गया। बड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू में करने की कोशिशें लगातार जारी रहीं। वहीं जाम की स्थिति भी बनी। देखने में आया कि कुछ दूरी पर ही पेट्रोल पंप एवं सरकारी गेहूं खरीदी केंद्र और आसपास रहवास क्षेत्र भी है। आग फैलने की खबर के चलते ग्रामीणों में दहशत पैदा हो गई थी। पुराने तरीके से आग बुझाने का प्रयास ग्रामीणों द्वारा किया गया। प्रशासन के सख्त आदेशों के बाद भी किसानों द्वारा खेतों की नरवाई को आग के हवाले किया जा रहा है। कानून के नियमों की धज्जियां लगातार उड़ाई जा रही है। कहाँ रहते हैं आप जी? दूर केड़ा। ये कौन सा जगह जहाँ पर आप ट्रैक्टर चालू खड़ी है? पट्टन। तो यहाँ पर क्या स्थिति बनी, क्या क्या हुआ यहाँ पर? आग लगी है। कहाँ में? नरवाई। तो शहर में बढ़ते आवारा कुत्तों का आतंक से एक 3 वर्षीय मासूम बालिका पर कुत्तों ने नदवाना क्षेत्र में हमला कर दिया था। मुश्किल के बाद लोगों ने उस कुत्ते से उसे बचाया और इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। शहर के मुख्य मार्ग से भक्तों ने अंजनी पुत्र श्री हनुमान जी की शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली। बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी शामिल हुए। हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया और हनुमान जी और श्री राम के जयकारे भक्तों ने बड़े ही हर्षोल्लासपूर्ण तरीके से लगाए। हनुमान जयंती की आप सभी को एमटी परिवार की ओर से शुभकामनाएं। मैं कृष्णकांत सिंह हरी आपसे लेता हूं विदा। आप देखते रहिएगा विधि सही एमटी न्यूज। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।